तो थोड़ा आसान पड़ेगा। तो बैटिंग पीछे स्टार्ट करते थे, अपने पे दो फ्रीज है, पहला फ्रीज यहाँ पर आएगा। नहीं नहीं भाई, फ्रीज हो जा भाई। ठीक है चलो, ये फ्रीज हो गया, बुढ़ा बच्चा पड़ा है यहाँ पे। अरे ची, यहाँ पे फ्रीज 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 फ्रीज। अरे कितने सारे बैट्स मर गए यार, बैट बैट दिखाई भी नहीं दे रहे भाई। अटैक खत्म हो गया भाई, नहीं हो पाएगा। ओ भाई पकड़ लिया इसने भाई, तुझे आई ची किट किट छोड़ दे बैट्स। लेट्स गो भाई 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 भाई, दिस वॉज द लेजेंडरी अटैक भाई, मजा आ गया भाई कसम से यार। और यार अब तो मुझे इस वाले वीडियो पे कम से कम 100 लाइक चाहिए, मेरे को नहीं पता भाई। तो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे यार आप सभी लोग, आई होप आप सब बढ़िया रहोगे। एक और कप चाय देना। हाँ। एक कप क्यों, पूरी बाल्टी भर के चाय लेकर आ। बंडा को लगे ले भूख, चुप तेरी मैं आँख की एंड यार जब से हमारे गेम में रॉयल गोस्ट है, आप सभी को पता है यार उसने धोती खोल रखी है सही में यार। और आज है ना हम लोग रॉयल गोस्ट से लाइव अटैक करने वाले वॉर में, एंड यार देखते क्या परफॉर्मेंस आती है। आप सभी को पता है रॉयल गोस्ट कितना तगड़ा है, और अगर आपको नहीं पता तो भाई ये वाले वीडियो के बाद आपको जरूर से पता चल जाएगा। बट यार एक दिक्कत आ गई है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 17 स्टार हो चुके हैं, एंड यार फर्स्ट वाले को मेरे टीममेट ने, मेरे क्लैनमेट्स ने फोड़ दिया है। यहाँ पे 97% फोड़ा, मेरे ख्याल से टाइम फेल होगा, तो अपन इस पर अटैक करेंगे। अब यार देखो मेरा टाउन हॉल 13 है एंड मुझे टाउन हॉल 12 पे अटैक करना है, तो वो ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अपन ट्राई करेंगे कि बिकॉज मेरे टीममेट ने फेल किया, टाइम फेल हुआ उसका, तो लेट्स गो। और यहाँ पे हम मैच रॉयल गोस्ट करने वाले भाई, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जो ये ईगल वाला कंपार्टमेंट है इसको अपन हीरो से निकालेंगे, एंड यार जो ये टाउन हॉल है एंड ये दोनों इन्फिनो टार्स है इसे हम रॉयल गोस्ट से निकालेंगे। और यार इजी बाकी पूरा का पूरा बेस बैट्स निकालेंगे, और जितना ज़्यादा हो सके विजार्ड टावर्स वो निकालने का ट्राई करेंगे। तो यार लेट्स गो। यहाँ पे भाई टाउन हॉल के पास पहुँचने से पहले बहुत सारा फनल करना पड़ेगा, पार बहुत ही ज़्यादा कचरा है, एंड यार देखो फनल में थोड़ा टाइम लगता है। और यार जो रॉयल गोस्ट की इनविजिबिलिटी है ना भाई, वो बहुत देर तक चल रही है, एंड यार जहाँ जहाँ विजार्ड टावर है, जहाँ जहाँ इन्फिनो टावर है, वहाँ के सामने का पहले पूरा क्लियर करते। यहाँ पे टेस्ला फार्म भी मिल गया, और यार मैं सही बताऊँ ना भाई, मेरा दिल आ चुका है भाई ये रॉयल गोस्ट के ऊपर। पर यार मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि बहुत सारे लोग रॉयल गोस्ट का यूज़ कर ही नहीं रहे यार। देखो 4-5 दिन और बचे, इस्तेमाल कर लो भाई। मैं सही बताऊँ ना, आप जितना वॉर जितना जीत लो भाई, एनिमी टीम ने भी बहुत गलत कर दिया, उन लोग ने भी रॉयल गोस्ट का यूज ही नहीं किया भाई। ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल है ना, मेरा जो टीममेट था मतलब क्लैनमेट जिसने अटैक किया था 97%, उसका टाइम फेल हुआ था, नहीं तो भाई उसने भी इस बेस को 3-star कर दिया होता। खैर छोड़ो, यहाँ पे पूरा टेस्ला फार्म मिल चुका है, लेफ्ट वाला इन्फिनो टावर भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक हेज डालते ताकि फटाफट से भाई रॉयल गोस्ट अपना काम कर सके। अब यार देखो रॉयल गोस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर रही है स्केलेटन भाई, ये क्या सीन है, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अभी हमारे पास 10 रॉयल गोस्ट बचे पड़े, एंड यार उसी के साथ साथ 50% ज्यादा बेस निकल चुका है। और यार यहाँ पर प्लान के हिसाब से अभी तक बिल्कुल नहीं चल रहा, बिकॉज जितनी वैल्यू चाहिए थी अभी तक वो नहीं मिली। ठीक है चलो टाउन हॉल टेक डाउन करते, स्केलेटन पीछे गए, एंड यार लेफ्ट वाला इन्फिनो टावर जल्दी से मिल जाए। यहाँ पर एक मैं रॉयल गोस्ट ड्रॉप करता हूँ जिससे कि ये वाला इन्फिनो टावर मिल जाए। भाई टाउन हॉल नहीं मिला, एंड यार जैसे ही टाउन हॉल मिलता है अपन अपना अटैक स्टार्ट कर देंगे। ए पागल बुड्ढे स्केलेटन्स के पीछे सारा। खैर छोड़ा, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो यार यहाँ पर एक रॉयल गोस्ट ड्रॉप करता हूँ जिससे ये विजार्ड टावर मिल जाए, एंड अपना मेन अटैक स्टार्ट करते हैं। किंग क्वीन फिर उसके बाद लॉन्ग लॉन्चर, एंड यार फनलिंग के लिए यहाँ पे 2 रॉयल गोस्ट ड्रॉप कर देता हूँ ताकि जो अपने हीरो से कहीं पे भटके ना, पीछे से बुड्ढा आएगा, एंड यार जैसी वॉल टूटेगी वैसी किंग की एबिलिटी दे देंगे। और जैसे ही इन्फिनो टावर और विजार्ड टावर निकलेंगे वहाँ पे पीछे से बैट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर एक रेस पिल आएगा, आरसी को ईगल आर्टिगरी की तरफ से ड्रॉप करेंगे जिससे कि वो पीछे वाला कंपार्टमेंट क्लियर कर दे। थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड यहाँ पर एक और रॉयल गोस्ट बचा है, पीछे की तरफ डाल देता हूँ, एंड अपने बैटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और भाई देखो यार बैटिंग मैंने जस्ट अभी स्टार्ट की, आपको क्या लगता है बीच में क्या बचा पड़ा है भाई? कुछ भी नहीं। अभी भी हमारे पास किंग क्वीन की एंड वार्डन की एबिलिटी थी जो कि अभी मार दी, एंड यार अभी भी इतने सारे बैट्स भाई 3-star हो गया। लो देखो कर लो बात। और यार अभी भी 50 सेकंड का टाइम बचा पड़ा था। खैर छोड़ो, ये वाला बेस तो ईजिली निकल गया। अब अपन बढ़ते अपने सेकेंड के अटैक की तरफ, और भैया इसमें भी हम करेंगे मैच। क्या है इसका नाम, बुढ़ऊ भूतिया बुढ़ऊ। अब देखो चीचा, एक के चीज़ बोल बोल के हम बहुत परेशान हो गए। देखो जितने भी मैस डैमेज देने वाले डिफेंसेस होते हैं अपने को उनको टेक डाउन करना है। अब जैसे कि देख लो इधर अपने को 2-4 विजार्ड टावर दिख रहा है, तो विजार्ड टावर को निकालेंगे, उधर एक खो ईगल आर्टिगरी है उसको निकालेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे बेस में, और सीधा अपना अटैक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पे फनलिंग वनलिंग तो बुढ़ा हुआ अच्छे से कर रहे हैं, और यार अपना सिर्फ मेन फोकस है ईगल आर्टिगरी। एक भी इन्फिनो नहीं निकालने वाला मैं, विजार्ड टावर और ईगल आर्टिगरी जैसे निकलेगा वैसे अपना अटैक स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ से चाहिए तो एक विजार्ड टावर निकालने का ट्राई करते, एंड भाई यार अरे जल्दी काम करो बे, खाना नहीं खाया क्या? और जब तक अटैक चल रहा है अपन थोड़ा वार्तालाप करते थे। अब यार देखो मुझे अभी तक चैलेंजेस आ रहे थे, अभी तक कमेंट आ रहे थे, अब भाई धमकियां भी आने लगी है यार।
अब ये कल का ही कमेंट देख लो, रेबल जॉर्ड 1v1 चैलेंज करोगे मुझसे TH10, TH11, TH12 जिससे भी। और भैया का कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मतलब भाई ये मुझे एकदम नूब है समझ रहे। देखो यार हम नूब नहीं, हम पहले बता देते, मतलब अरे थोड़ी तो इज्जत कर लो भाई, एक किसी एक टाउनल का चैलेंज देते तब समझ आता, तुम तो ऐसे बोल रहे हो भाई जिससे भी आना तुझे आज अपन देख लेगा चल। और यार जितने भी लोग मुझे नूब समझते हो एक बात बता दो, बिल्कुल सही समझते हो भैया हम है नूब, लेकिन यार एक एक टाउनल का चैलेंज दो ना, क्योंकि यार अगर एक टाउनल में हारा तो लोग समझ भी सकते भैया होता रहता है यार, एक बार ही तो कोई मिल जाता है, तुम 3-4 टाउनल दे दियो अगर सब में हार गए तो हमारी तो कोई वीडियो ही नहीं देखेगा, बोलेंगे ये नूब है ससुरी का। यहाँ पे किंग की एबिलिटी दे दी, अटैक शुरू हो गया भाई कब का। अब यार जैसे ही टनल फूटेगा वैसे ही अपना बैट स्टार्ट कर देंगे, बेस में कुछ भी नहीं बचा, वार्डन की एबिलिटी आएगी। एंड हाँ अभी तक जो भी वीडियो देख रहे चैनल सब्सक्राइब कर दो, चलो बैटिंग यहाँ से स्टार्ट कर देते। अभी भी अपने पे एक फ्रीज बचा, यहाँ पे फ्रीज आएगा और यार इसी के साथ पूरा का पूरा बेस क्लियर। अब यार देख सकते हो बेस के अंदर इतने ज्यादा ट्रूप्स बचे, ऊपर से मेरे पास अभी भी 5 रॉयल गोस्ट बचा पड़ा है। अब यार ठीक है चलो यार देखो तुम्हारा भाई है जॉर्ड। अब यार ये वाला अटैक तो कंप्लीट हो चुका है, एंड यार चैनल सब्सक्राइब अभी करो भाई अभी, और जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हो ना अपना नाम जरूर से कमेंट कर देना और आप कहां से बिलोंग करते हो। अब यार असली चैलेंज तो अब शुरू होता है, क्योंकि यार अब हम लोग टाउन हॉल 11 से टाउन हॉल 12 पे मैच रॉयल गोस्ट करने वाले हैं, एंड दिस वाज गोइंग टू बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस भाई, हम लोग अपर टाउन हॉल पे अटैक करने वाले। तो यार देखो यहां पे सिंपल सा अपना ये प्लान रहेगा, अपने को टाउन हॉल निकालना है, वो जो ऊपर का इन्फिनो है उसे निकालना है, एंड यार मैक्सिमम विजार्ड टावर्स निकालने और बाकी अपने हीरो संभालेंगे। तो यार देखते क्या होता है, और अगर ये वाला बेस मेरे से 3-स्टार नहीं होता तो मैं अपनी मुँचे मुड़वा लूंगा, जो कि मेरे पास है नहीं। खैर छोड़ो यार, अगर ये 3-स्टार नहीं होता ना आप मुझे कोई भी डेयर दे सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसे ट्राई करूंगा। चलो यार कुछ यूनिक करते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं टाउन हॉल की तरफ फोकस ज्यादा रहूंगा और यार जो ऊपर का इन्फिनोटार है वहां पर, क्योंकि भाई ये दो चीज है ना भाई मेरे को चाहिए कुछ भी करके, एंड मैक्सिमम ऑफ विजार्ड टावर, नहीं तो भाई बैट्स की धज्जी उड़ जाएगी, और ऊपर से जो अपने बैट्स है वो लेवल 3 की है, तो यार फटाफट से फनल कर लेते हैं। यार ऊपर का मल्टी और टाउन हॉल जैसे निकलेगा वैसे अपन अटैक स्टार्ट कर देंगे। यार रॉयल गोस्ट की एक बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, इनके अंदर बिल्कुल दम नहीं है, अगर ये भूत ना होते तो यार इनको कोई भी भाई एक स्केलेटन मार के चला जाता। खैर छोड़ो यार, बट इनका जो हिट पॉइंट्स है ना, मतलब हिट पॉइंट्स बोलते डैमेज बोलते, हिट पॉइंट्स क्या होता है, हाँ मतलब जब ये मारते तो वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, इनके अंदर खुद के अंदर दम नहीं है बट मारने की क्षमता इनके अंदर बहुत है। अरे क्या समझ रहे हो भाई, क्या मारने की सोच रहे हो, अरे वो नहीं, मतलब इनका जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है यार, तुम लोग कुछ भी सोच लेते हो। खैर छोड़ो, यहाँ पे ड्रैगन निकल चुका है, थोड़ा प्रॉब्लम देगा, एंड यहाँ पे इनका टाउन हॉल भी एक्टिव हो चुका है। चलो ये वाला इन्फिनो तो इजीली मिल जाएगा भाई, मिल गया, एंड यार अब टाउन हॉल पे फोकस करते, अभी भी मेरे पास 6 रॉयल गोस्ट बचा है तो इसमें ही टाउन हॉल निकालना पड़ेगा। अबे कहां जा रहे हो, काहे भटक रहे हो बे। अब यार ये एलेक्सा स्टोरेज काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला है, तो पहले इसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो यार ये टाउन हॉल पे जाएंगे नहीं। एंड यार यहाँ पर विजार्ड टावर ओपन में, तो यार इनको भी एक दो विजार्ड टावर को निकाल लेते हैं, पर ये टाउन हॉल तो फूटे है ससुरी का, सब जाकर मर जा रहे हैं। हाँ नाइस नाइस नाइस, ये टाउन हॉल तो निकल जाएगा। यहाँ से अपन अपना अटैक स्टार्ट करते हैं, किंग, फिर उसके बाद सीज मशीन, क्वीन एंड वार्डन। भाई अब रॉयल चैंपियन को होल्ड करके रखेंगे, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां से ड्रॉप कर देंगे। किंग की एबिलिटी आएगी, वार्डन की एबिलिटी, अरे दब दब भाई दब, छी बे किंग मर गया। अब यार जितनी वैल्यू चाहिए थी उतनी मिली नहीं, अभी भी 2-3 विजार्ड टावर बचे, एक मल्टी बचा पड़ा है, 2 मल्टी बचे पड़े भाई अब हमारा क्या होगा। यहाँ पर क्वीन है, क्वीन की एबिलिटी देनी पड़ेगी आगे चल के, ऊपर से जो भाई बैट स्पेल है वो भी लेवल 3 के ही, ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अब यार भाई मल्टी देखो क्या कुत्ते की तरह टारगेट कर रहा है। खैर छोड़ो, पीछे की तरफ से बैट स्टार्ट कर देते, देखते कुछ हो सकता है, मल्टी निकाल लो गाइज। चलो मल्टी नहीं, कम से कम बुड्ढे तो जाकर ये विजार्ड टावर तो डाउन कर दे, थोड़ा आसान पड़ेगा। तो बैटिंग पीछे स्टार्ट करते हैं, अपने पे 2 फ्रीज है, पहला फ्रीज यहाँ पर आएगा, नहीं नहीं भाई फ्रीज हो जा भाई, ठीक है चलो ये फ्रीज हो गया, बुड्ढा बचा पड़ा है यहाँ पे, अरे छी यहाँ पे फ्रीज 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 फ्रीज, अरे कितने सारे बैट्स मर गए यार, बैट बैट दिखाई भी नहीं दे रहे भाई, अटैक खत्म हो गया भाई, नहीं हो पाएगा। ओ भाई पकड़ लिया इसने भाई, तुझे आई ची किट किट छोड़ दे, 1 HP, ओए भाई फोड़ दिया भाई बैट ओपी यार, बैट ने फोड़ दिया भाई, यहाँ पे कम से कम 8 से 10 बैट बचे होंगे भाई। यार 3-स्टार हो गया, बुढ़ा मर गया साला भाई, किसी काम का नहीं है ये। एंड क्या लगता है आपको 3-स्टार हो पाएगा भाई, गोल्ड स्टोरेज बचे भाई, ये मरने में ना जिंदगी बिता देंगे। हो जा भाई, बैट्स फिनिश कर दो यार, 1 HP भाई, 19, 18, 17, लेट्स गो, यू कैन डू इट बैट्स, लेट्स गो भाई 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 भाई, दिस वॉज द लेजेंडरी अटैक भाई, मजा आ गया भाई कसम से यार। और यार अब तो मुझे इस वाले वीडियो पे कम से कम 100 लाइक चाहिए, मेरे को नहीं पता भाई 100 लाइक करा कर दो आप, मुझे कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर टोटल हो चुके हैं 29 स्टार्स अब, और यार हम इसको 30 स्टार बहुत जल्दी करेंगे। उससे पहले आप एनिमी टीम का एक अटैक देख लो भाई, यहाँ पे मेरे को छुआ भी नहीं भाई, मेरा बेस लेआउट देख के ना लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, बट यार यहाँ पे जो नंबर 2 है उस पर अटैक किया गया था हमारे टीम के। एंड यार यहाँ पर ये वाला अटैक आप चेकआउट करो, बंदे ने क्या हगा है भाई,
क्या ही हग है। अब यहाँ पे इसने लाइटनिंग करने के बाद दो अर्थक्विक स्पेल यूज किया। भाई क्या जरूरत थी, तू बीच में एक अर्थक्विक डालता, तेरे को टाउन हॉल एक्टिव करना था, टाउन हॉल भी एक्टिव हो जाता एंड यार दोनों इन्फिनो भी टूट जाते। अब पता नहीं क्या सोच के अटैक किया, पर यार ये वाली अटैक स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर यार इस बंदे ये बंदे ने कसम से पैनिक कर दिया होगा भाई सीसी देखकर। अब यार देखो इसका अटैक एकदम ओपी था भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल जा रहा था। अब देख रहे हो ऊपर की तरफ जो विचेस है वो वाला कंपार्टमेंट क्लियर कर देंगी, राइट साइड में भाई हीरोज वगैरह क्लियर कर देंगे। अब यार देखो यहाँ पर वॉल ब्रेकर भी एकदम सही जा रहा है, हीरोज भी इसके सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर यार यहाँ पर जैसे ही सीसी में से दो ड्रैगन निकलते हैं बंदा पैनिक कर देता है। पहले तो ये फ्रीज करता है ड्रैगन्स को रोकने के लिए, भाई क्या जरूरत है। और उसके बाद जैसे ही ये आगे जाता है ये किंग की अर्ली एबिलिटी दे देता है और ऊपर से ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी दे देता है, भाई क्या क्या जरूरत थी। और यार यहाँ पर टाउन हॉल पे टारगेट नहीं हो पाया, क्वीन थोड़ा पीछे थी वो ड्रैगन्स को मार रही थी। अब यार लेफ्ट साइड देखो आप ऊपर की तरफ जो विचेस है वो कितना ओपी तरीके से काम करी है। पर यार ग्रैंड वार्डन की अर्ली एबिलिटी ने इसके सारे के सारे ट्रूप्स को यहाँ पर मरवा दिया और क्वीन अभी भी पीछे से फनल करी। अब यार देखो यहाँ पर लिटरली अटैक बहुत सेक्सी जा रहा था, क्योंकि यार देखो अभी भी गोलम बचा था और अगर यहाँ पर इसके जितने भी ट्रूप्स है वो सर्वाइव कर जाते तो अभी तक वो घूम के आधा बेस पूरा क्लियर कर देते, क्योंकि ऊपर वाले कंपार्टमेंट में कुछ बचा ही नहीं था, बस टाउन हॉल था और ये लेफ्ट साइड बस एक्सपोज थे और यार विचेस आराम से निकाल लेती। पर नहीं, भैया ने फेल कर दिया। खैर छोड़ यार, अब बढ़ते हैं अपने अगले अटैक की तरफ। तो ये रहा वो बेस, टाउन हॉल 11 भी 11 करेंगे अपन। यहाँ पर देखो इसने टाउन हॉल बाहर रखा है ट्रबल करने के लिए, पर इस बंदे ने एक गलती कर दी है, इसने यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा छेद छोड़ दिया जिसकी वजह से अपने को ये दोनों इन्फिनो मिलने वाले हैं। एंड यार अपन ट्राई करेंगे मैक्सिमम जितना भी विजार्ड टावर हो सके बाहर से निकालेंगे, ईगल आर्टिगरी शायद नहीं मिल पाएगा, बट यार ये जो दो इन्फिनो टावर है आराम से मिलेंगे। ईगल आर्टिगरी भी जरूरी होगा, क्योंकि अगर ईगल आर्टिगरी मिल जाएगा तो पूरा बेस क्लियर आराम से हो जाएगा। तो चलिए अटैक पे चलते सीधा। एंड यार यहाँ पर मेरा वार्डन लेवल 1 का है, तो यार ये मतलब बेसिकली मतलब टाउन हॉल 10 का बेस है, तो 10 से 11 पे अटैक करने जा रहे हैं। सही में यार, क्योंकि देखो पहली चीज वार्डन का लेवल 1 है एंड ऊपर से भाई मेरा बैट्स पहले वो लेवल 2 का है, भाई लेवल 2 के बैट्स में कुछ भी नहीं दिखता। खैर छोड़ो, यहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गया, पहले तो फनल वगैरह करते हैं। एंड यार ऊपर वाला विजार्ड टावर अपने को मैक्सिमम विजार्ड टावर निकालना है, जो ईगल वाला कंपार्टमेंट होगा वहां से अपनी मेन आर्मी घुसाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला इन्फिनो टावर इजिली मिल गया। अब नीचे वाले इन्फिनो टावर के लिए यहाँ पे फटाफट से भाई करो यार, तो ये स्केलेटन थोड़ा दिमाग खाते हैं। अब यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जबकि स्केलेटन कवर में रहता है तो उसको पता कैसे चलता है कि ऊपर आर्मी आ चुकी है, जबकि रॉयल घोस्ट इनविजिबल होता है। अब यार वो धरती के अंदर से ऐसे देख तो नहीं सकता होगा, तो क्या पता भाई महसूस करता रहे। खैर छोड़ो, यहाँ से ये टाउन हॉल निकाल लेते हैं। एंड यार यहाँ पे नीचे विजार्ड टावर भाई इजीली मिल गया, ठीक है। एंड यार ट्राई करेंगे, अभी भी अपने पास 9 रॉयल घोस्ट बचा है, तो मैक्सिमम एग्जोस्ट वगैरह निकाल ले। यहाँ पर सोच रहा हूँ रेस डाल देते, एक रेस डाल देते ताकि अपने फटाफट काम करे रॉयल घोस्ट। अरे बुढ़ा पागल हो गया, बच्चों के पीछे पड़ा है भाई, स्केलेटन को मारने जा रहा है यार, जल्दी फिनिश करो। यहाँ पे और रॉयल घोस्ट डालते ताकि इन्फिनो टावर जल्दी से मिल जाए एंड यार अपना अटैक स्टार्ट कर सके हम। तो फाइनली गाइस इन्फिनो टावर मिल चुका है, तो यहाँ पर एक रॉयल घोस्ट डिप्लॉय करूंगा ताकि ये वाला विजार्ड टावर मिल जाए, अपने बैट्स को ज्यादा दिक्कत ना दे। एंड यहाँ पर एक ड्रॉप करते हैं। अब चलो यार अपना अटैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किंग आएगा, उसके पीछे से सीज मशीन आएगी, क्वीन आएगा, वार्डन आएगा। भाई वार्डन किसी काम का नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने को बस ईगल आर्टिगरी और ये दोनों विजार्ड टावर टेक डाउन करना है, फिर अपन पीछे से बैट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे रेस पेल आएगा, उसी के साथ किंग की एबिलिटी आ जाएगी, क्वीन की एबिलिटी भाई गलती से लग गई, यहाँ पे इजीली ईगल आर्टिगरी डाउन हो जाएगा। खैर छोड़ो, अपन पीछे से अपने बैट स्टार्ट कर देते हैं। बस भाई 7 बैट स्पेल में बस ये 14 बैट्स आए, भाई क्या मजाक चल रहा है। खैर छोड़ो, यहाँ पे अपने पे फ्रीज बचा है, ज़्यादा कुछ डिफेंस है नहीं तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहला फ्रीज यहाँ पर आएगा ताकि एक्सबो एटी को मारना बंद करे एंड एटी ऊपर से इजीली भाई आर्चर टावर और ये कैनन टेक डाउन कर ले। अब खैर छोड़ो यार, यहाँ पर बहुत सारे बैट्स बचे, बट यार सही में अगर लेवल 2 के बैट्स है तो बिल्कुल नहीं होना। खैर छोड़ो, यहाँ पर एक और फ्रीज डाल देंगे अपन। यार इसी के साथ ये वाला अटैक भी 3 स्टार हो जाता है। आप श्योर आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आते हैं प्लीज़ जरूर से लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई बहुत क्राउड आ रहा है अभी बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।